भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए इन समझौतों में डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने और हरित साझेदारी को लेकर एक समझौता भी शामिल है। दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा कि आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्य का विजन तैयार किया है। हरित भागीदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति से दोनों देशों के युवाओं को फायदा होगा। वहीं अपने बयान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का प्रमुख पड़ोसी और भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद मित्र और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 के मुक्ति संग्राम से शुरू हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उप उच्चायोग खोलेगी। साथ ही दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर भी सहमत हो गई है। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मैरीटाइम सहयोग, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा और राजनीतिक मामलों में आपसी सहयोग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन संबंधी समझौते शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।